मुस्कुराते जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया खो सकती है आपकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम काव्यांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्यांजलि कार्यक्रम समर्पित है गीत गजलों मुक्तकों के नाम, और जिसमें हम आपको हंसाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं। तो आज के इस कवि सम्मेलन में, काव्यांजलि में, हम आपको हंसाएंगे, गीत गजलें भी सुनाएंगे, और यकीन मानिए जब आप इस काव्य सम्मेलन को सुनेंगे तो आप हंसते मुस्कुराते ही नजर आएंगे। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में कौन कौन से खास कवि मेहमान मौजूद हैं, आइए एक परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। सबसे पहले क्रम में जो आपको नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं चश्मा लगाकर बड़ी मुस्कान के साथ, जिनको आप देख रहे हैं, आप हैं अब्दुल सलाम खोकर साहब, जो कि रतलाम से हमारे बीच मौजूद हैं। अब्दुल सलाम साहब, बहुत बहुत सलाम आपको, नमस्कार और स्वागत है आपका काव्यांजलि कार्यक्रम में। अगले क्रम में आप देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर सा एक चेहरा आपको नजर आ रहा है, जिनको हम सुंदर कवि कहते हैं, और उतनी ही सुंदर इनकी कविताएं हैं, आपको हंसाएंगे गुदगुदाएंगे। ग्वालियर से हमारे बीच पहुंचे हैं अमित चितवन जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगले क्रम में आप देख रही हैं बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कान के साथ, एक हमारे बीच सौंदर्य की प्रतिमान मूर्ति यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी गजलें भी उतनी ही खूबसूरत हैं, यकीन मानिए। आप प्रिंसिपल भी हैं, बहुत सारे बच्चों को आप गाइडेंस करती हैं, मार्गदर्शन भी देती हैं आप। ज्योति जलज हरदा से हमारे बीच मौजूद हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगले क्रम में आप देख रहे हैं जिन्हें हम मंचों का लाफिंग बुद्धा कहते हैं, और देखिए इनको आप बिल्कुल आप देखकर समझ सकते हैं, लाफिंग बुद्धा की तरह ही यहाँ पर कुर्सी में आकर बैठे हुए हैं। आप हैं पंकज जोशी जी, जो कि माँ चामुंडा की धरती देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच मौजूद है, और मैं हूँ आपके बीच सुनीता पटेल। और आइए इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अब्दुल सलाम खोकर साहब, जो कि रतलाम से हमारे बीच मौजूद हैं। चार पंक्तियों से आवाज देना चाहती हूँ कि कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, एक मिसरा हो तुम एक मिसरा हूं मैं, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। स्वागत है अब्दुल सलाम खोकर जी। सबसे पहले परिचय की ही चार पंक्तियों से प्रारंभ करूं कि दोनों जुबा है मेरी, दोनों अदब है मेरे, हिंदी का मैं कवि हूं, उर्दू का भी सुखनवर, दोहे भी मुझको प्यारे, गजलें भी मुझको प्यारी, कहते हैं लोग मुझको अब्दुल सलाम खोकर। वाह, क्या बात है खोकर साहब, बहुत सुंदर। चार पंक्तियां देखें कि नाच उठे मन सदा उस रास की बातें करना, नाच उठे मन सदा उस रास की बातें करना, प्यार से सीख लो एहसास की बातें करना, हर तरफ दर्द है अवसाद का सन्नाटा है, मुस्कुराना सदा उल्लास की बातें करना। क्या बात है। आइए थोड़ी सी मुस्कुराहट का प्रयास करूं, और चार मिसरे यूं हैं कि उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया, क्या बात है, उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया, अच्छा समझ लिया कभी लुच्चा समझ लिया, अब उसकी याद में जरा दाढ़ी क्या बढ़ गई, उसने मुझे पतंजलि बाबा समझ लिया। बहुत बढ़िया। घूरती रहती है तुझ ही को हसीनाएं सब, घूरती रहती है तुझ ही को हसीनाएं सब, घूरती रहती है तुझ ही को हसीनाएं सब, कौन बोला था ये तुझसे कि तू शायर हो जा, वो पेंशन देख के मुझसे मेरी पत्नी बोली, जितनी जल्दी हो तू दुनिया से रिटायर हो जा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चार पंक्तियां देखें कि बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो, बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो, वो बच्चों की कुछ ना कुछ तो शिकायत किया करो, वो चाहे पड़ोसी रोज ही गाली बके तुम्हें, लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत किया करो। वाह, बहुत बढ़िया नसीहत। वाह, कोई मंत्र चल न पाया और न छल से गया, काग जैसे ही खुला तो जिन्न बोतल से गया, और डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए उस बीमार को, इश्क वाला रोग था जो सिर्फ चप्पल से गया। बहुत बढ़िया, चप्पल से याद आया। चार पंक्तियां और देखें। जी जी, स्वागत। गुजरती है वो गाड़ी से कभी पैदल नहीं मिलती, वाह, खुशी को थाम लो जाए तो फिर से कल नहीं मिलती,
उसे तो रोज मिल जाते हैं मेले में नए आशिक, हमें तो भीड़ में खोई हुई चप्पल नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत खूब। और एक गजल से एक मतलब एक शेर देखें कि वो मुफ्त की शराब ज्यादा घटक गया, वो मुफ्त की शराब ज्यादा घटक गया, चोटी पकड़ के सास की उल्टा लटक गया। क्या बात। और बतौर खास ये शेर अमित भाई के, चोटी पकड़ के सास की उल्टा लटक गया, वो बैठा जो पिछली शाम तो मुझको जुएं दिखी, बैठा जो पिछली शाम तो मुझको जुएं दिखी, सोफे पे मेरे कौन ये जुल्फे झटक गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तज़मीन की चार पंक्तियां देखें कि तेरा आशिक जो है पगला नहीं है, उसे दिखता है वो अंधा नहीं है, वो बिना मेकअप तेरा दीदार होना ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं। हज़ल का मतलब यूं है कि बीवी ने प्यार यूं मुझे दिल खोल कर दिया, बीवी ने प्यार यूं मुझे दिल खोल कर दिया, तबला समझ के पीट दिया, ढोल कर दिया, वो तुमने मेरी वफाओं का ये मोल कर दिया, तरबूज जैसा फल भी मुझे तोल कर दिया। क्या बात है, वाह। वो सुराख था एक छेद था कमीज में बारीक सा, मगर तुमने कुचर कुचर के बड़ा होल कर दिया, वो टीचर बना दिया तो भला मुझ पे आ गई, इतिहास को लपेट के भूगोल कर दिया। क्या बात है। वो पाले हुए थे लोग जहां दिल में नफरतें, पाले हुए थे लोग जहां दिल में नफरतें, खोकर ने जाके प्यार का माहौल कर दिया। क्या बात है, वाह वाह। मनपसंद चीज भी खाते हुए घबराते हैं, ओहो, कोरोना में कहीं जाते हुए घबराते हैं, और इश्क की अपने जमाने को खबर है लेकिन तेरे डैडी को बताते हुए घबराते हैं। वो नोच ले काट ले कुत्ते तो डर इंजेक्शन का, तेरी कॉलोनी में जाते हुए घबराते हैं, तेरी कॉलोनी में जाते हुए घबराते हैं, और अगर रिश्वत नहीं दूंगा रिसीवर जान ले लेगा, जो दे दी तो मेरे घर का मिनिस्टर जान ले लेगा। वो फंसी है इस तरह से जिंदगी जालिम के कब्जे में, बसंती घर नहीं नाची तो गब्बर जान ले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो मेरी शादी हुई जिससे वही मेरा मुकद्दर है, वो मुकद्दर तो मुकद्दर है, मुकद्दर जान ले लेगा। वाह। और ये शेर खास तौर से देखे मक्ते का कि करो तारीफ बीवी की मगर खोकर ये मत भूलो, मत भूलो, करो तारीफ बीवी की मगर खोकर ये मत भूलो, बुराई माँ की मत करना, मुनव्वर जान ले। वाह क्या बात है, वाह बहुत खूब। थोड़ा सा संजीदगी की तरफ आते हैं, चार मिसरे देखें कि कौन कहता है कि व्यापार से जोड़ा जाए, कौन कहता है, कौन कहता है कि व्यापार से जोड़ा जाए, दर्द इंसान का आधार से जोड़ा जाए, दर्द इंसान का आधार से जोड़ा जाए, वो दुश्मनी की तो जरूरत ही नहीं दुनिया में, दिल के रिश्तों को सदा प्यार से सदा जोड़ा प्यार जाए। से जोड़ा जाए। क्या चार पंक्तियां बेटी के लिए, जी स्वागत। के किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है, किसी के पांव में कठिनाइयों का छाला है, हमारी लाडली ससुराल की चहेती है, कहाँ चराग जला है कहाँ उजाला, कहाँ चराग जला है कहाँ उजाला। क्या बात। और एक एक गजल का एक मतलब और दो शेर समाप्त कर ले। मेरी सांसों की वीणा को युझनकृत कर दिया तुमने, मेरी सांसों की वीणा को युझनकृत कर दिया तुमने, मेरे प्रेमल निवेदन को जो स्वीकृत कर दिया तुमने, कभी निष्प्राण कवि में प्राण फूके प्रार्थनाओं से, मेरी गजलों को छूकर यूं अलंकृत कर दिया तुमने, मेरे साहित्य को जीवन मिला है प्रेरणाओं से, मेरे साहित्य को जीवन मिला है प्रेरणाओं से, जरा सी वाह से तुम मुझको पुरस्कृत कर दिया तुमने, पुरस्कृत कर दिया तुमने। वाह थैंक यू। तो बहुत खूब गज़ल भी आपने सुनी और गज़ल भी सुनी अब्दुल सलाम खोकर साहब, और हिंदी उर्दू दोनों की बात करते हैं। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी।
वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। तो शुरुआत हंसाने और गुदगुदाने के साथ, उसके बाद गंभीर मुद्रा में अब्दुल सलाम खोकर जी ने हमें छोड़ा है। लेकिन आइए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको इस पूरे क्रम में हंसाएंगे गुदगुदाएंगे, तो एक और हास्य कवि हमारे बीच ग्वालियर से मौजूद है, अमित चितवन जी, उनको चार पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुनेगा कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अपनी कविता से पथ भ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे, और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कवि ही लेकर आएंगे, हम कवि ही लेकर आएंगे। और आमंत्रित करना चाहती हूँ अमित चितवन जी ग्वालियर से। दोस्तों नमस्कार। अभी सुनीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अध्यारों की बात करी और हास्य और व्यंग की बात करी। सबसे पहले मैं चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। स्वागत अमित जी। के अंधियारों से मैंने लड़ना सीख लिया, अंधियारों से मैंने लड़ना सीख लिया, दीपक जैसा मैंने जलना सीख लिया। क्या बात है। अंधियारों से मैंने लड़ना सीख लिया, दीपक जैसा मैंने जलना सीख लिया, कोई नहीं दिखलाता रस्ते मंजिल के, तन्हा तन्हा मैंने चलना सीख लिया। क्या बात है, बहुत खूब अमित जी। हास्य की बात हो रही है तो मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ जी। सबसे पहले तो आपको ही चार पंक्तियां सुनाता हूँ। चालाक है जमाना, खुद को बचा के रखना। क्या बात है। चालाक है जमाना, खुद को बचा के रखना, नजरें भटक न जाए, नजरें बचा के रखना। बहुत सुंदर। चालाक है जमाना, खुद को बचा के रखना, नजरें भटक न जाएं, नजरें हटा के रखना, चेहरा है खूबसूरत, लग सकती है नजर भी। चेहरा है खूबसूरत, लग सकती है नजर भी, चेहरे पे अपने काला एक तिल लगा के रखना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और चार पंक्तियां सुनाता हूँ आपको के देखिए कि पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए, हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। बहुत सुंदर। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं, हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती के टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ छोटी छोटी पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत अमित जी। हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, तू है वफादार, दुनिया को दिखा। क्या बात है। हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, तू है वफादार, दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। क्या नसीहत है भाई। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला, बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। कहीं से भी छोटी छोटी व्यंग्य की कविता बन जाती है साहब। एक और रचना सुनाता हूँ आपको। देखिए आप, के भीगी भीगी बरसात में, घनघोर अंधेरी रात में, भीगी भीगी बरसात में, घनघोर अंधेरी रात में, हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही डर गए। हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही डर गए। हमने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, घंटी तो बजी नहीं, अंदर से आवाज आई, चले आइए, चले आइए। हमने कहा, भैया लाइट तो जलाइए। मित्र बोला, हमारे घर की आती नहीं है, और पड़ोसी के घर की जाती नहीं है। क्या बात है। मित्र बोला, हमारे घर की आती नहीं है, और पड़ोसी के घर की जाती नहीं है, और पड़ोसी
बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे घर का आ रहा है। क्या बात है, वाह मिजी। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे घर का आ रहा है, इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूँ। बिना कुर्ते के हूँ कैसा लग रहा हूँ, बिना कुर्ते के हूँ कैसा लग रहा हूँ। हमने कहा यार जानवर की तरह मत रहा करो, किसी हीरोइन की तरह कुछ तो पहन के रखा करो। मित्र बोला यार यही तो तुम्हें बताना है, ये कपड़े वालों का नहीं नंगों का जमाना है, नंगों का जमाना है। ये मैंने आपको एक कविता सुनाई और अब मैं चाहता हूं कि आपको एक और गजल के दो तीन शेर में आपको सुनाता हूं। जी जी स्वागत स्वागत अमित जी। ये जान कर खुशी हुई मेहमान तो गया, वाह। ये जान कर खुशी हुई मेहमान तो गया, ये जान कर खुशी हुई मेहमान तो गया, अफसोस ये है मेरा भी सामान तो गया। क्या बात है, अफसोस ये है मेरा भी सामान तो गया, मैं तेरे रास्ते पे नहीं चल सका मगर, मैं तेरे रास्ते पे नहीं चल सका मगर, मैं तेरे रास्ते पे नहीं चल सका मगर, तेरे इरादे जो भी थे मैं जान तो गया। वाह बहुत बढ़िया। तेरे इरादे जो भी थे मैं जान तो गया। और देखिए आप, उल्टे हमारे हिस्से में इल्जाम आ गए। क्या बात है, उल्टे हमारे हिस्से में इल्जाम आ गए, एहसान जो किया था वो एहसान से गया। क्या बात है, वाह वाह। एहसान जो किया था वो एहसान तो गया। और इस गजल का एक और शेर देखिए। जी स्वागत। क्या फायदा करूं जो मैं इकरार बार बार, क्या फायदा करूं मैं इकरार बार बार, क्या फायदा करूं जो मैं इकरार बार बार, तेरी हर एक बात को मैं मान तो गया। क्या बात है, तेरी हर एक बात को मैं मान तो गया, ओ देता रहा तू धोखे हमें इसका गम नहीं, देता रहा तू धोखे हमें इसका गम नहीं, देता रहा तू धोखे हमें इसका गम नहीं, इस बात का है गम तेरा ईमान तो गया। क्या बात है, इस बात का है गम तेरा ईमान तो गया, एहसान जो किया तब एहसान तो गया। और दोस्तों दो तीन शेर और याद आ गए मुझे, स्वागत स्वागत। छोटी छोटी कविता और भी याद आ रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक आपको बताता हूँ, दहेज लोभी सास की एक छोटी सी कविता। जी स्वागत। के एक दहेज लोभी सास ने अपनी नई नई बहू से कहा, एक दहेज लोभी सास ने अपनी नई नवेली बहू से कहा, दहेज में क्या क्या लाई है बता, दहेज में क्या क्या लाई है बता। बहू ने सास की भाषा तौली और धीरे से मुस्कुराकर बोली, सासू जी मैं तो केवल अपने मोबाइल साथ में लाई हूँ, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का मोबाइल नंबर लाई हूँ। क्या बात है। कभी कभी कुछ कविताएं ऐसी बन जाती हैं। खैर दो तीन शेर और मैं सुना देता हूं आपको। स्वागत। देखिए पंकज भाई, के बैठे बैठे सपने देखा करता है। आहा, बैठे 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 सपने देखा करता है, दीवाना है कुछ भी सोचा करता। क्या बात है, वाह। बैठे बैठे सपने देखा करता है, दीवाना है कुछ भी सोचा करता है, करना है तो जल्दी कर लो अपनी बात,
करना है तो जल्दी कर लो अपनी बात, कल क्या होगा कौन भरोसा करता है। क्या बात है, करना है तो जल्दी कर लो अपनी बात, कल क्या होगा कौन भरोसा करता है। और देखिए आपके देखिए एक शेर और याद है, गैरों ने तो जब भी देखो प्यार किया, गैरों ने तो जब भी देखो प्यार किया, और जो अपना था वो ही सताया करता है, बैठे बैठे सपने देखो। और देखिए एक शेर इसमें के, उसने ही हमको सिखाई होशियारी, उसने ही तो हमको सिखाई होशियारी, वो देता है धोखे अच्छा करता है। क्या बात, वो देता है धोखे अच्छा करता है, वो देता है धोखे अच्छा करता है। और देखिए अंदर उसके मुझको मिला है गम ही गम, अंदर उसके मुझको मिला है गम ही गम, जो अक्सर हंस हंस कर बोला करता है। क्या बात है। और पंछी चाहे, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जी जी स्वागत मक्तिका शेर, पंछी चाहे जितना ऊंचा जाए अमित, पंछी चाहे जितना ऊंचा जाए अमित, पर धरती पे लौट के आया करता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आया करता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर अमित चितवन जी ने गज़ल भी सुनाई, और गज़ल में बहुत ही बारीकी से इन्होंने शेर जो रखे कि किस तरीके से कितने भी जख्म हो लेकिन हमें मुस्कुराना पड़ता है, और साथ ही जिस तरीके से अमित जी ने गज़ल में शेर रखे काफ़ी बारीक शेर थे और यकीनन आप तक पहुँचे होंगे। और हम कवियों का जैसा मानना है, मैंने कहा था कि हंसी बाँटते हैं खुशी बाँटते हैं, हंसी बांटते हैं खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं, और जिसे बांटना है अंधेरों को बांटें, जिसे बांटना है अंधेरों को बांटें, हम तो वो हैं जो हर घड़ी रोशनी बांटते हैं, रोशनी बांटते हैं। और अभी हमने रोशनी का त्योहार भी मनाया, और अमित जी ने शुरुआत ही अंधकार को दूर करने से की है। और यहाँ देखिए आपको चमकता हुआ एक चेहरा नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर बीच में नजर आ रही है, ज्योति जलद जी, जैसा मैंने परिचय दिया था, प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, और बहुत अच्छी उम्दा गजल और गीत भी कहती हैं। चार पंक्तियों से ज्योति जी को आवाज देना चाहती हूं, और आप यकीनन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कृष्ण की बांसुरी बज रही है। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि थक के बैठे परिंदों को आवाज देती हूं, थक के बैठे परिंदों को आवाज देती हूँ, गीत को अनूठा सा अंदाज देती हूँ, गीत को अनूठा सा अंदाज देती हूँ, और आपके कानों में जो मिश्री सी घोल दे, आपके कानों में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी बांसुरी को आवाज देती हूँ, कृष्ण की ऐसी बांसुरी को आवाज देती हूँ। ज्योति जलज जी हरदा से। नमस्कार, मैं ज्योति जलज, जिला हरदा मध्य प्रदेश से, आप सभी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और दूरदर्शन परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम भी आगामी करते रहें और हमें बुलाते रहें। बहुत अच्छी अच्छी आज कविताएँ सुनने मिली। मोहब्बत की कविता खोकर साहब से शुरू हुई कि पड़ोसन से मोहब्बत किया करो, तो इसलिए मैं जान करके वहाँ नहीं बैठी, मुझे मालूम है ये नसीहत कोई ना माने लेकिन बहुत बहुत बधाई पुनः आप सभी को, और मोहब्बत के नाम, पवित्र प्रेम के नाम चार पंक्तियाँ रखती हूँ। स्वागत स्वागत शुरू करती हूँ। जो भी राधा किशन का दीवाना हुआ, उसका दीवाना सारा जमाना हुआ, याद मोहन की आई बहुत उस घड़ी, याद मोहन की आई बहुत उस घड़ी, जब भी गोकुल की गलियों में जाना हुआ, जब भी गोकुल की गलियों में जाना हुआ। बहुत आभार। और चूंकि मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ जी, चार पंक्तियाँ सर्वप्रथम एकता के नाम रखती हूँ। स्वागत ज्योति जी। जो एकता हमारे देश में देखी जा रही है और यहाँ कवि मंच पर देखी जा रही है, और सुनीता जी उस एकता का प्रतीक है, जिन्होंने उस एकता में हमें बांधा है, चार पंक्तियाँ उस नाम रखती हूँ। स्वागत। अब तो नफरत को जमाने से मिटाना होगा। होकर साहब इस मंच पर उपस्थित हैं और एकता का प्रतीक आप सबके समक्ष है, मैं उसी नाम समर्पित करती हूँ चार पंक्तियाँ। स्वागत। अब तो नफरत को जमाने से मिटाना होगा, सिर्फ हाथों को नहीं दिल भी मिलाना। क्या बात।
जिसके साए में सभी अपने पराए बैठे, क्या बात, जिसके साए में सभी अपने पराए बैठे, प्यार का ऐसा घना पेड़ लगाना क्या होगा, प्यार का ऐसा घना पेड़ लगाना होगा। और ये चार पंक्तियां स्वागत आप सभी को उस प्रेम के नाम समर्पित है। तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार है अब तक, तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार है अब तक, तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार है अब तक, बिछड़ गई हूँ मगर तुमसे प्यार है अब तक, क्या बात है, बिछड़ गई हूँ मगर तुमसे प्यार है अब तक, तुम्हारा लौट के आना तो गैर मुमकिन है, तुम्हारा लौट के आना तो गैर मुमकिन है, हमें तुम्हारा मगर इंतजार है अब तक, हमें तुम्हारा मगर इंतजार है अब तक, क्या बात है, बहुत बात है भाई, वाह। चले भी आओ के मौसम बहुत सुहाना है, चले भी आओ, सुनती आपके नाम करती है शेर, चले भी आओ, चले भी आओ के मौसम बहुत सुहाना है, चले भी आओ के मौसम बहुत सुहाना है, हमारे दिल के चमन में बहार है अब तक, वाह क्या बात है, हमारे दिल के चमन में बहार है अब तक, तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार है अब तक। बहुत आभार, और ये चार पंक्तियां फिर आपके नाम करती हूं, स्वागत। आप अगर खैरियत नहीं लेते, हाँ सुनीता जी आपकी बदौलत हम यहाँ आए हैं, बहुत खूब, बहुत बढ़िया पढ़ रही थी जी। खैरियत नहीं लेते हम यकीनन बिखर गए होते, क्या बात, आपके प्यार में ही जिंदा है वरना कब के ही मर गए होते, वरना कब के ही मर गए होते। वाह, तारीफ करना पड़ेगी, प्रोग्राम में बुलाती है। सुनाइए, बहुत बढ़िया गजल का मतलब जी, जी स्वागत, फिर रखती हूँ सुने। खुद को हम जिनकी मोहब्बत में मिटा बैठे हैं, एक बार भी वाह वाह नहीं करी खोकर साहब, और मैंने की थी लगातार कर, वाह वाह बिल्कुल सबके हिस्से की, वाह। हम जिनकी मोहब्बत में मिटा बैठे हैं, खुद को हम जिनकी मोहब्बत में मिटा बैठे हैं, हाय अफसोस वही हमको भुला बैठे हैं, हाय अफसोस वही हमको भुला बैठे हैं, लोग पलकों को बिछाते हैं बिछाते होंगे, ये दूरदर्शन परिवार के नाम करती हूँ यशी, वाह बहुत सुंदर, लोग पलकों को बिछाते हैं बिछाते होंगे, लोग पलकों को बिछाते हैं बिछाते होंगे, हम तेरी राह में आँखों को बिछा बैठे, क्या बात है, वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शेर, राह में आँखों को बिछा बैठे हैं। और चितवन जी तो ऐसे भूले हैं कॉल, क्या आप तो मिस कॉल नहीं करते, शिकायत क्या बात है भैया, कॉल क्या आप तो मिस कॉल नहीं कॉल ही आएगा करते हैं, कॉल क्या आप तो मिस कॉल नहीं करते हैं, जाने क्या बात है सरकार खपा बैठे हैं, क्या बात है, वाह, जाने क्या बात है सरकार खपा बैठे हैं, एक तुम हो के हमें भूल गए दो दिन में, लैपिंग मुद्दा भी कम नहीं, एक तुम हो के हमें भूल गए दो दिन में,
एक तुम हो के हमें भूल गए दो दिन में, एक हम है के तुम्हें दिल में बसा गए। क्या बात है, वाह बहुत बड़ा दिल है ज्योति जी। एक हम है के तुम्हें दिल में बसा बैठे हैं, मैंने एक बार जरा इनकी तरफ क्या देखा। कोकर जी की, मैंने एक बार जरा इनकी तरफ क्या देखा, वो कहानी को हकीकत से मिला बैठे हैं, वो कहानी को हकीकत से मिला बैठे हैं। और मक्ता हाजिर करती हूं। स्वागत स्वागत। दोस्त अपना में समझती रही ज्योति जिनको, दोस्त अपना में समझती रही ज्योति जिनको, दुश्मनों से वो मेरे हाथ मिला बैठे हैं, दुश्मनों से वो मेरे हाथ मिला बैठे हैं, खुद को हम जिनकी मोहब्बत में मिटा बैठे हैं। वाह बहुत आभार हो, बहुत बढ़िया। ये पंक्तियां भी आपको समर्पित करती हूँ। मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी सांसों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी यादों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी यादों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी यादों में रहूं, जिंदगी बन के सनम मैं तेरी सांसों में, बहुत बढ़िया। जिंदगी बन के सनम मैं तेरी सांसों में रहूं। और ये शेर भी देखें, स्वागत। ये तेरे हुस्न लताफत की कशिश देखी, हुस्न लताफत, ये तेरे हुस्न लताफत की कशिश देखी है, ये तेरे हुस्न लताफत की कशिश देखी है, जी तो चाहता है सनम मैं सदा बाहों में रहूं। क्या बात है, जी तो चाहता है सनम मैं तेरी बाहों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी सांसों में रहूं। बहुत आभार, बहुत बढ़िया। उन्हें आप सभी को बधाई, बहुत बढ़िया। क्या बात, वाह 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 वाह। गिला भी तुझसे बहुत है और मोहब्बत भी, ये बात अपनी जगह है, वो बात अपनी जगह है। तो ज्योति जलज जी ने यहाँ पर पहले खोकर जी, फिर अमित चितवन जी और फिर पंकज जोशी जी, तीनों से ये गिला भी किया और मोहब्बत का यहाँ पर इजहार भी किया। अब ये बात अलग है कि इकरार कौन कौन करता है, लेकिन वाकई मोहब्बतों से सारा जहान रोशन है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान रोशन है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान रोशन है। और वाकई मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए और मोहब्बत के साथ साथ आपके चेहरे में मुस्कान भी होनी चाहिए। तो आइए एक बार फिर गीत गजल और श्रृंगार के बाद फिर हम हास्य कवि की ओर बढ़ना चाहते हैं। और जैसा कि पहले ही हम परिचय दे चुके हैं कि ये मंचों के लाफिंग बुद्धा कहलाते हैं, और इनको आप देखिए, फेस और सरफेस देखिए इनका, बिल्कुल हंसी और ठहाके आपको लगाएंगे। लेकिन ज्योति जी, अभी कुछ देर पहले मैंने इनसे पूछा कि पंकज जी कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी, तो उन्होंने कहा ऐसा है सुनीता कि कवि हूं, वो भी हास्य कवि, तो उसी अंदाज में जवाब दूंगा। तो इनकी पंक्तियां क्या आई सुनिएगा खोकर साहब, चितवन जी, कि ये शादी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के खाना है। तो शादीशुदा इंसान की ये हालात और जिंदगी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन हालातों से कैसे आप हास परिहास निकाल सकते हैं वो ये कवि ही बता सकते हैं। चार पंक्तियों से आवाज देना चाहती हूँ। माचा मुंडा की धरती देवास से हमारे बीच पंकज जोशी जी आए हैं, सुनेगा चार पंक्तियां पंकज जी, कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। स्वागत है, आइए हास्य की बात करते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। अभी सुनीता ने बहुत ही हास्यात्मक रूप में इस कार्यक्रम का संचालन किया और सभी का परिचय दिया,
मुझे लाफिंग बुद्धा और ना जाने क्या क्या कह दिया, मेरे को ऐसी जगह बिठा दिया गया, मेरी दाई ओर एक प्राचार्य बैठी हुई है और बाई ओर एक आचार्य बैठी हुई है। ये स्कूल की प्राचार्य हैं और ये कविताओं की आचार्य है। आचार्य इसलिए क्योंकि ये संचालन बहुत अच्छा करती है और कविता के नए नए तेवर सिखाती है जो भी कवि लोग आते हैं उनको। और मैं आज की इस अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। स्वागत पंकज जी। कि एक सज्जन से बात हुई, गर्म जोशी से मुलाकात हुई, हमने उनके लिए बुलाई चाय, उन्होंने हमें दी राय, बोले आप लीजिए, हमने कहा नहीं नहीं आप शुरू कीजिए, वो बोले नहीं नहीं पहले आप, हमने कहा नहीं नहीं पहले आप, वो फिर बोले पहले आप, हमने फिर कहा कि नहीं नहीं पहले आप, वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं पहले आप, तो उनकी इस आप से हमें गुस्सा आ गया, हमने पैर से जूता निकाला और उनके सर पर मारा और कहा हुजूर आप ही ने कहा था पहले आप, इसलिए गुस्ताखी माफ। क्या बात, गुस्ताखी माफ। और साहब आज सुबह सुबह धर्मपत्नी ने मुझे नींद में जगाते हुए कहा कि सुनो जी सुनो, जल्दी से उठो, मार्केट में भाव अच्छा चल रहा है, सोना 5,000 रुपये तोला, शुद्ध घी 50 रुपये किलो और चांदी 1,000 रुपये किलो बाजार में मिल रहा है। मैंने कहा भगवान ये बंडल तुमने किस आधार पर फेंका है? वो बोली इतना भी नहीं समझते, मैंने तो सपना देखा है, मैंने तो सपना हकीकत हो जाए, मैंने तो सपना देखा है, मैंने तो सपना देखा है और ईश्वर करे वास्तव में ये सपना हकीकत हो जाए। लेकिन आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो सोशल मीडिया का दौर है कोकर साहब, और सोशल मीडिया के प्रभाव में हम इतने प्रभावित हो गए हैं कि सारी जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उनको अपना लेते हैं। हम फेसबुक चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं। अब आप चिंतन कीजिए कि फेसबुक में हम एक सुंदर फूल की तस्वीर तो डाल सकते हैं लेकिन उससे खुशबू प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बात। और सोशल मीडिया के इस दौर में जब मैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने के लिए घर से निकला तो बस स्टैंड पर खड़ा था, वहाँ पर मैंने देखा एक युवती आई, रिक्शे वाले को आवाज़ दी, बोली भैया हमें फलानी कॉलोनी में छोड़ दोगे? रिक्शे वाले ने कहा बिल्कुल छोड़ दूंगा, कितना पैसा लोगे? रिक्शे वाले ने कहा 50 रुपये लूँगा। वो युवती रिक्शे के अंदर बैठी और जो गंतव्य स्थान इस युवती ने बताया था वहां पर रिक्शे वाले ने उसे छोड़ दिया और युवती ने जेब से 100 का नोट निकाला और रिक्शे वाले की तरफ उछाला। रिक्शा वाला खुले पैसे वापस करने के लिए अपनी स्टेयरिंग की सीट से उठ खड़ा हुआ और इसका फायदा उठाते हुए वो युवती उस स्टेयरिंग सीट पर जाकर बैठ गई। उसने अपने पर्स में से मोबाइल निकाला, रिक्शे वाले को दिया और रिक्शे वाले से बोली भैया मेरा एक फोटो खींच दो। रिक्शे वाले ने उस युवती का फोटो खींच दिया, उस फोटो को युवती ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर डाला, उसके ऊपर स्टेटस लिखा अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती इस बालिका को कितने लाइक। अपने गरीब माँ बाप की आजीविका का वो चलाने के लिए रिक्शा चलाती इस बालिका को कितने लाइक। तो साहब उस युवती को 1 घंटे के अंदर मिल गए 1,000 लाइक। वो जिन जिन ने भी दिए वो लाइक, वो सबके सब थे ना लाइक, सबके सब थे ना लाइक। बहुत बढ़िया। और शादी विवाह की बात सुनीता ने करी थी कि एक शादी क्या है, एक सल्फास की गोली है और चूस के खाना है, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चूस के खाई जाती है इस गोली को। मुझे बाजार में मिला एक दिन एक मित्र दुखियारा जी, कहने लगा बड़ा ही, मुझे बाजार में मिला एक दिन एक मित्र दुखियारा, गले लग के जोरों से रोने लगा वो बेचारा, कहने लगा बड़ा ही मैं अभागा हूँ, बड़ा ही मैं अभागा हूँ, अपनी धर्म पत्नी से तंग आकर घर से भागा, अपनी धर्म पत्नी से तंग आकर घर से भागा हूँ। धर्म पत्नी की करतूतें सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ, वो जो भी हुक्म देती है उसे हंस के बजाता हूँ,
सुबह शाम दोनों वक्त का खाना पकाता हूँ, वो टीवी देखने जाती है, मैं बच्चों को खिलाता हूँ। क्या बात, वाह वाह। वो टीवी देखने जाती है, मैं बच्चों को खिलाता हूँ, मुझे वो सूमड़ा कहती तो कभी कहती है खरबूजा, कभी झाड़ू तो कभी बेलन से कर देती है मेरी पूजा। बड़ी खुर्राट औरत है, बड़ी वाचाल है भैया। तो मैं उस मित्र से बोला, अपना भी यही हाल है, हाल है भैया। क्या बात है, यही आप बीती सुना रहे हैं पंकज जी, यही हाल है भैया। तो इस तरह से इस गोली को चूस कर इस तरह से खाया जाता है, ये मैंने बताया। ज्योति जी ने अपने मन की बात की, अमित जी ने अपने मन की बात की, खोकर साहब ने अपने मन की बात की। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मेरा सर चकराया कैसे। ओहो। एक दिन मेरा सर चकराया कैसे, मेरा 5 साल का बेटा मुझसे आकर पूछता है, पापा पापा मैं आया कैसे। पापा पापा मैं आया कैसे। अब बेचारा बाप क्या जवाब दे, बाप क्या जवाब दे। मैंने अपना सर खुजलाया, फिर उस बच्चे को समझाया, बेटा मैंने ऊंचाइयों पर जाकर विनती करी, ऊंचाइयों पर जाकर विनती करी, पहाड़ियों पर जाकर ईश्वर से विनती करी, कई धार्मिक स्थानों का प्रसाद खाया, मेरा लाल मेरे पिल्ले जब तू आया। क्या बात है, मेरे लाल मेरे पिल्ले जब तू आया। तो वो बच्चा कहता है अपने बस्ते को खूंटी पे टांग के, क्या यार पापा जिंदगी में एक काम किया वो भी भीख मांग के। जिंदगी में एक काम किया वो भी भीख मांग के। और साहब बहुत अच्छी गजल पढ़ी थी खोकर साहब आपने, मैं भी गजल का एक मिसरा और चंद शेर पढ़ना चाहूंगा, और वो इस तरह से पढ़ना चाहूंगा कि एक बहुत प्रसिद्ध मिसरा हुआ है, आपने सुना होगा दुष्यंत कुमार जी का, कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो एक मिसरा और चंद शेर देखिए, स्वागत। कि कहां तो आप बात करते हैं आफताब की, कहां तो आप बात करते हैं आफताब की, और कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या बात है, कहां तो आप बात करते हैं आफताब की, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और कुछ लोग जीते हैं सुनीता जैसे लोग, कुछ लोग जीते हैं अमृत को पीकर, और कुछ लोग पैदा ही हुए हैं सिर्फ जहर के लिए। कुछ लोग पैदा ही हुए हैं सिर्फ जहर के लिए। और गर हौसला है, मैं सभी ये दूरदर्शन जो हमारा चैनल है ये ओल्ड इज गोल्ड है, और जब भी दूरदर्शन का नाम आता है तो हम कवियों के मन की कली खिल जाती है। इस शेर को मैं इस दूरदर्शन को समर्पित करना चाहूंगा कि गर हौसला है तो खुद ही आगे बढ़ो, हे एक चिंगारी ही बहुत कहर के लिए। क्या बात है, हे एक चिंगारी ही बहुत कहर के लिए। और ज्योति जी, नहीं ये चाह, नहीं ये चाह समंदर की हमें, हम तो बैठे हैं बस एक लहर के लिए। क्या बात, हम है? तो बैठे हैं बस एक लहर के लिए। और जो कुछ भी लिखता हूँ दिल खोल के लिखता हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ दिल खोल के लिखता हूँ, नहीं लिखता पंकज गजल बहर के लिए, नहीं लिखता हूँ गजल बहर के लिए। और साहब इस कार्यक्रम में खोकर साहब, ज्योति जी, अमित जी, अपने को किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन वेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात, क्योंकि जिंदगी जिंदगी सांसों का खेल है, जिंदगी सांसों का खेल है, कोई पास है कोई फेल है। और अपने को चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि आज अपने साथ इस कार्यक्रम की संचालक सुनीता पटेल है। क्या बात है, और जब सुनीता पटेल इस संचालक इस कार्यक्रम की संचालक है और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित है और इन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन किया, देश की ख्याति प्राप्त कवित्री और सुप्रसिद्ध टीवी एंकर सुनीता पटेल जी को इन चार पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि ये जो शहतीर है इसे पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुनीता पटेल।
बड़ी ही उम्दा पंक्तियों से पंकज जी ने मुझे आवाज़ दी है और बहुत आप बीती इन्होंने अपनी बताई किस तरीके से भाभी जी को लेकर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। यकीन मानिए कि कवि सम्मेलनों में जितने भी कवि होते हैं वो रात रात भर महिलाओं पर अपनी पत्नियों पर कविताएं कहते हैं और मोटे मोटे लिफाफे लेकर जाते हैं। तो अब नारी जो है वो अबला नहीं है, तबला हो गई है और अच्छे अच्छों का तबला बजाना जानती है। और ज्योति जलज जी ने ऐसा ही कार्य किया है, पहले खोकर जी, फिर उसके बाद अमित चितवन जी और पंकज जोशी जी, लेकिन सभी ने बहुत शानदार कविताएं सुनाई हैं। और अब मेरा क्रम है तो पंकज जी ने मुझे आवाज़ दिया है, चार पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहती हूँ। हिंदी का ये मंच है, काव्यांजलि को समर्पित चार पंक्तियाँ सुनिएगा खोकर साहब। कि भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा, भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। तो माँ भारती की आराधना करना और माँ हिंदी के लिए हमें समर्पित होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी आन बान शान है। और बात मोहब्बत की हो रही है, मुझे चार पंक्तियाँ याद आती हैं, सुनिएगा। ये कहा जाता है खोकर साहब कि जो जोड़ियाँ हैं वो आसमान पर बनाई जाती हैं और ज़मीन पर आकर वो जो हैं वो जोड़ियाँ मिलाई जाती हैं, लेकिन दो अजनबी दिल कैसे एक जान होते हैं, चार पंक्तियों में बात रखती हूँ, सुनिएगा। कि डगर कठिन है मोहब्बत की मगर चलते हैं, डगर कठिन है मोहब्बत की मगर चलते हैं, शूल को फूल समझ कर कबूल करते हैं, शूल को फूल समझ कर कबूल करते हैं, इश्क में रब की भी मर्जी शुमार होती है, इश्क में रब की भी मर्जी शुमार होती है, तभी दो अजनबी दिल एक जान बनते हैं, तभी दो अजनबी दिल एक जान बनते हैं। तो बात मोहब्बत की होती है, लेकिन मोहब्बत वो पवित्र भावना है, जिस तरीके से आज ये मंच सजा है, गंगा जमुनी तहजीब जो कि हमारे भारत की आन बान शान और पहचान है, जहाँ पर सुनीता मौजूद है, अमित चितवन जी मौजूद हैं, ज्योति जलज जी हैं और अब्दुल सलाम खोकर जी हैं, जहाँ पर हिंदी और उर्दू एक साथ पढ़ी और कही जा रही है, चार पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा। कि सदा ही एक देखे हर्फ गीता और कुरान में, सदा ही एक देखे हर्फ गीता और कुरान में, नहीं महसूस करते फर्क शब्द और पुराण में, नहीं महसूस करते फर्क शब्द और पुराण में, दुपट्टा सर पे रख हर दर पे माथा टेक लेते हैं, दुपट्टा सर पे रख हर दर पे माथा टेक लेते हैं, नहीं महसूस होता फर्क आरती और अजान में, आरती और अजान में। तो आइए इस खूबसूरत सी परंपरा को हम ऐसे ही निभाते रहें और एक दूसरे तक मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। और हमारे बीच तमाम जो मेहमान कविगण मौजूद हैं, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। अब्दुल सलाम खोकर जी हमारे बीच मौजूद रहे रतलाम से, अमित चितवन जी ग्वालियर से, ज्योति जलज जी हरदा से और पंकज जोशी जी देवास से, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और चार पंक्तियों से इस काव्यांजलि कार्यक्रम का समापन करना चाहती हूँ, चार पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। कि ये गया वक्त याद आएगा ख्वाबों की तरह, ये गया वक्त याद आएगा ख्वाबों की तरह, और आने वाला वक्त महक जाएगा गुलाबों की तरह, आने वाला वक्त महक जाएगा गुलाबों की तरह, तू अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, तू अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह। और इसी कामना, इसी भावना के साथ काव्यांजलि कार्यक्रम को हम सभी विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।